फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट है क्राफ्ट का मल्टी ग्रिल। ये देखिए, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं और ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या सेंस बनती है इसको बाय करने की, क्या इसमें घर में जरूरत है किसी को बाय करने के लिए। तो आज वो डिटेल में हम जो है जानने वाले हैं, इसको वर्क करते हुए देखने वाले हैं, तो वो सब मैं आपको आज जो है बताने वाला हूँ। इस वीडियो को जो है आप जरूर देखें, इससे आपको जो है थोड़ी नॉलेज मिलेगी इस मल्टी ग्रिल जो फंक्शन है उसके बारे में और जो ये प्रोडक्ट है क्राफ्ट का ग्रिल इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए जो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो बाहर से तो कुछ ऐसा दिखता है, आप देखिए इसको अंदर से हम देखते हैं, इसकी ऐसे इसकी पैकिंग है और ये ऐसे इसको हम डालते हैं। तो देखिए अंदर से कुछ ये ऐसा दिखता है, इसको ओपन कर लेते हैं, ये लॉक है इसका, इसको ओपन किया तो कुछ ये ऐसा दिखता है। देखिए इसमें जो प्लेट्स लगी हुई हैं, ये इसमें के ब्रेड जो रखा है यहाँ पर, इसके आपके दो पीस हो जाते हैं, इसमें जब बंद कर देंगे तो अपने आप से वो कट भी हो सकता है। जो इसमें ट्रे दी हुई है यहाँ पर, ये जो इसकी ये ट्रेज है, ये देखिए वो निकल भी जाती है इससे, कैसे देखिए यहाँ पर इसके जो ये ब्लॉक्स है इसको जरा सा ऊपर करना है और ये निकल के आ गई, ये इसकी ट्रे है। और इसको हीटअप कौन करता है, ये रॉड करती है, ऐसे ही है नीचे वाली भी निकल जाती है, देखिए ये निकल गई बड़ी इजीली। इसके साथ में क्या आता है, इसके साथ में जो एक्स्ट्रा प्लेट्स मिलती है हमें, ये वाली कौन सी है, ये स्ट्राइप वाली ट्रे है, ये इसको देखिए यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, हो गई। और यहाँ पर जो है ये हो गई लॉक। अब जो है आप इसको इस वाली ट्रे को जो है यूज कर सकते हैं, गिरेगी नहीं ये। ये आप देख सकते हैं कि हमने ब्रेड लिया है सैंडविच बनाने के लिए और इसमें जिस चीज़ का सैंडविच बनाना है हमने वो स्टफ कर दिया है। मैंने यहाँ आलू की स्टफिंग ली है और आलू को स्टफ कर दिया है ब्रेड के अंदर, और अब हम इसको जो है ग्रिल के अंदर रख देते हैं। ग्रिल को अगर आप थोड़ा प्री हीट कर लेते हैं तो वो थोड़ा बेटर रहता है और सैंडविच को इंस्टेंट हीटिंग मिल जाती है। अगर आपको क्रिस्पी रखना है अपना सैंडविच तो उसको इंस्टेंट हीट मत दीजिए, उसको जो स्टार्टिंग करेंगे जब आप ग्रिल को तो उसी टाइम पर रख दीजिए सैंडविच को, वो धीरे धीरे जब जैसे ही हीट करता जाएगा उतना धीरे धीरे हीट करेगा उतना ही वो आपका सैंडविच क्रिस्पी बनता जाएगा। जब ये रेडी हो जाएगा सैंडविच तो ये ग्रीन लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। ये देखिए जो ग्रीन लाइट है ना अपने आप बंद हो गई। चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं और ये हमारा सैंडविच जो है रेडी हो गया है। और ये हमने जो है सर्व कर लिया है इन सैंडविचेस को। थोड़ा सा केचप यूज करूंगा मैं अपने लिए, केचप जो है कम ही यूज करना चाहिए, बड़ी बोतल लेके आते हैं ना तो पड़ी रहती है, खराब हो जाती है, इसलिए जब भी जरूरत होती है तो मैं ये छोटा वाला पैक ले आता हूँ। और ये आपके सैंडविचेस रेडी हैं, ये आपके लिए नहीं है मेरे लिए हैं, अपने लिए बना लो। तो गाइस ये हमने देखा कि ये कैसे वर्क करता है, इसे क्या क्या फंक्शंस हैं और ये कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी लेता है। सो दिस इज 750 वॉट, मींस जो आपके इलेक्ट्रिक केटल है जो 1500 वॉट की बिजली लेती है उसका ये हाफ ही लेता है, बिकॉज सिर्फ ब्रेड ही तो गर्म करनी है, ऑब्वियसली देयर इज नो नीड फॉर लाइक मोर देन 750 वॉट। 750 वॉट इज मोर देन इनफ फॉर टोस्टिंग और ग्रिलिंग अ ब्रेड। अच्छी बात क्या, जो आप ब्रेड ग्रिल करते हैं, जो हम टोस्ट बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं अपना, वो जो है इजीली जो है कुक हो जाता है आपका 5 to 10 minutes के, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि आप सपोज यू केम फ्रॉम ऑफिस, अब जब बड़े थके आ रहे हैं, आपका मन नहीं है खाना बनाने का, तो आप जो है फटाफट सैंडविच बना के जो है खा सकते हैं, या फिर कहीं जल्दी जाने की या फिर आपके पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, उस टाइम जो है आप इसको यूज कर सकते। बट फॉर ऑर्डिनरी पर्सन जो कि ब्रेड का इतना यूज नहीं करता है, जो सिर्फ चावल या रोटी पर ही रहते हैं, क्या उनके लिए लेना ठीक है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनके लिए जो है इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ये उनके लिए जो कि ऑफिस में काम करते टाइम नहीं होता, उनके पास अकेले रहते हैं या फिर जो है फैमिली नहीं है, या फैमिली है तो बड़ी न्यूक्लियर फैमिली है, बहुत छोटी फैमिली है, जो है दोनों हस्बैंड वाइफ जो है काम करने वाले हैं, उनको जो फटाफट जो है चीजें बना के चाहिए और जो है वो उसका यूज कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है ये। बट एक फैमिली है जो कि इजीली अपने कंफर्टेबली अपने घर में रह रही है, उनके पास
इनफ टाइम है खाना बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली आप जो है डेली डेली जो है ब्रेड का सैंडविच जो है बनाना नहीं चाहेंगे, और बनता भी नहीं है किसी के घर में ऐसे डेली बाय डेली। बट इट इज नॉट अ डेली बेस्ड थिंग, डेली डेली ब्रेड तो कोई भी नहीं खा पाएगा, डेली बाय डेली जो है सैंडविच कोई भी नहीं खा पाएगा। नेक्स्ट थिंग जो क्राफ्ट है वो जो दैट इज इंडियन कंपनी, बट अगेन दे ऑल्सो इम्पोर्ट दी प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, सो नॉट रिकमेंडेड टू बाय एनी चाइनीज प्रोडक्ट। कुछ लेना है तो इंडियन ले सकते हैं, अगर आपको ग्रिल लेनी ही है तो कोई इंडियन कंपनी हो उसका लीजिए, दैट इज रिकमेंडेड। एंड आई अप्रिशिएट दोज पीपल हु जस्ट बाय इंडियन प्रोडक्ट्स। ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इज मेड इन चाइना। चाइना जो है घर घर में इतना घुस चुका है कि उसको निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया है। बट हमको जो है ट्राई करना है कि हम जो कम से कम चाइनीज प्रोडक्ट लें, अगर बहुत जरूरी है तभी लें, अदरवाइज इसको जो है ना लें, बिकॉज वी शुड नॉट अप्रिशिएट चाइना इकोनॉमिकली एंड वी शुड नॉट गिव हिम मोर पावर सो दैट ही कैन अटैक ऑन इंडिया। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सिर्फ क्राफ्ट का नहीं, वैसे बोरोसिल हो गए मैंने बताया ना सदे, ऑल आर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं आपके घर में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ऑलमोस्ट वो देखिएगा हर चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक की वो मेड इन चाइना ही मिलेगी। दैट इज अ बिग ड्रॉबैक। कई लोगों को शौक होता है हाया ग्रिल करनी है, ग्रिल करके देखेंगे सैंडविच कैसा बनता है, घर में बना के देखेंगे, तो वो खरीद लेते हैं इसको। जब आप खरीदे तो मेन बात आती है प्राइस की। इसका जो एमआरपी है देखिए लिखा हुआ है 2690, मतलब 2600-2700 रुपए का ये है ये प्रोडक्ट है। और इस पे अगर आप 25% 30% डिस्काउंट भी कर देते हैं तब भी जाके आपको ये 1800-2000 के आसपास जो है मिलता है ये। तो क्या आप इतना खर्च करना चाहेंगे सिर्फ एक सैंडविच के लिए? आप जो है मार्केट में आराम से जो है सैंडविच जो है 50-60 रुपीज एक बढ़िया अच्छी जगह से सीसीटीवी टाइप जगह से जो है आप खरीद के खा सकते हैं। सो गाइस सिर्फ सैंडविच बनाने के लिए आई डोंट थिंक इसमें कोई सेंस बनती कि मैं ग्रिल खरीद के लाऊं, इसमें मेरे को एक या दो बार जो है महीने में सैंडविच बनाना है। बट अगेन इट इज अप टू यू, आपको ये क्या लेना है क्या नहीं लेना है दैट इज अप टू योर विश आपको जो है। बट हम जो इतना ही कह सकते हैं कि जो हम रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट्स का वो हम जेन्युइन रिव्यू करते हैं, हम चाहते हैं कि जो इंडियन कंपनीज है उनको ज्यादा ज्यादा फायदा पहुंचे और चाइनीज प्रोडक्ट को जो है हमें बॉयकॉट करना है। सो गाइस ये था हमारा आज का व्यू मल्टीपर्पज ग्रिल जो कि क्राफ्ट कंपनी की है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताया कि इसमें क्या क्या फंक्शन है क्या है चलता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना हो तो आप जो है कमेंट्स में जाके हमको जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आई ऑलवेज रिप्लाई टू द कमेंट्स एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट द कमेंट्स, अगर कमेंट्स आते रहेंगे तो वी गेट द चांस टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। सो गाइस देखते रहिए हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन को जो प्रेस करना ना भूले ताकि आपको जो हमारे आने वाली वीडियोस उनके जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। Thanks for watching this video. Thank you.